सिहीन होता है, जो जल में सर्प रहता है विषधर नहीं विषहीन होता है, जिसके अंदर जहर नहीं होता है। छोटी छोटी बच्चों तो कहा भैया जो तो पन्निया है हर को कछु ना बिगाड़ पाए है, फिर वो सर्प कैसा जिसके कारण 3.5 कोस तक जलो जहरीला हो रहा है। प्यारे भक्तों सोचने की बात है, काली देह क्या है? ये जो शरीर है शरीर ही 3.5 हाथ की काली देह है। कालिया नाग क्या है? इस काया रूपी काली देह के अंदर जो अभिमान पनप रहा है अभिमान ही कालिया नाग है। तो इस काली देह से काया रूपी काली देह से अभिमान रूपी कालिया नाग को मार करके भगा दो, समझ लो मर गया कालिया नाग। काली देह में जो सर्प रहता था उसके अंदर जहर विष नहीं था, लेकिन ग्वाला डर के कारण काली देह पर नहीं जाती थी, सर्प रहता है। इसी तरह से देखो आपके गांव में मोहल्ले में यदि कोई अभिमानी पुरुष हो तो लोग भी उसके पास नहीं जाते, बात भी नहीं करते हैं। इस तरह से भगवान ने कालिया नाग को नाथा। आगे भगवान ने उन ब्रज की गोपियों की बार बार कहने पर प्यारे भक्तों वृंदावन में रास रचाया है। अरे ये वृंदावन बंसी बजी, भगवान ने रास रचाया है, मधुर मुरली बजा रहे हैं प्रभु। अब मुरली की धुन सुनकर सारी गोपियां सुधबुद भूल गईं और रास में जाने के लिए तैयार होने लगी। अब गोपियां रास में जाने के लिए उल्टा सीधा श्रृंगार बनाने लगी, कैसी कि श्याम ऐसी बजाए दई बसुरिया रे काना ऐसी बजाए दई। बुलाक
कान में है। उल्टी सीधी कपड़ा पहन रही हैं कैसे, काऊ के मोड़ पे साया है साड़ी दामन में, पेटीकोट से घूंघट मार लो और साड़ी दामन में लपेट ली है। काऊ के मोड़ पे साया है साड़ी दामन में, काऊ के सखियां उल्टू सीधू श्रृंगार बनाए रास में।